अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स, बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट, जहां हम लेके आते हैं इतिहास के पन्नों में से कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक साबित होंगे, इसीलिए जिनको याद रखना और जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। सेशन के एंड में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे सवालों की जो आज के सभी फैक्ट्स पे बेस्ड होंगे। आप इनको जरूर अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि कितनी आसानी से आप इनको सॉल्व कर पाते हैं आज के डिस्कशन को सुनने के बाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिनांक से जुड़े, यानी कि 23 दिसंबर के दिनांक से जुड़े हमारे सभी आवश्यक हिस्टोरिकल फैक्ट्स। The very first fact of this day happened in the year 1845 when Indian politician, lawyer and social worker Sir Rash Bihari Ghosh was born. Rash Bihari Ghosh ka janam 23 December 1845 ko hua tha aur vah ek udarvadi congress neta the, prakhyat kanuni visheshagy the, samajik karyakarta the aur ek paropkari vyakti the. He received his masters in English and secured first class honors, becoming the first Indian student to secure that distinction. Ghosh took the honors in law exam, which at that time was one of the most difficult exams in the world. He succeeded in that exam and was awarded Doctor of Laws degree in 1871. Ghosh Bharatiya Rashtriya Congress ke sadasya the aur unhone Dada Bhai Naroji ko adhyaksh ke roop mein succeed kiya. वह दो आईएनसी सेशन के प्रेसिडेंट रह चुके थे। एक था सूरत सेशन ऑफ 1907 और दूसरा सेशन था मद्रास सेशन ऑफ 1908। सूरत सेशन तो एक ऐसा ऐतिहासिक इवेंट है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार इसको सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इतिहास में प्रसिद्ध है क्योंकि इस सेशन में सिद्धांतिक विवादों के कारण आईएनसी वाज स्प्लिट इनटू टू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स। Rash Bihari Ghosh became member of Bengal Legislative Council between 1981 and 1984 and then once again between 1906 and 1909. Unhe kanun ke mamlon mein vyapak roop se saraha jata tha, aur his work on the law of mortgage is considered a classic even today. उन्हें 1896 में CIE यानी कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर अकॉर्ड किया गया था, और वर्ष 1909 में CSI यानी कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। विद दिस चल के देखते हैं दोस्तों आज के दिनांक से जुड़ा दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट, और ये हुआ था वर्ष 1902 में व्हेन द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह वाज बोर्न। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हुआ था, और वह बल्लभगढ़ हरियाणा के राजा नहर सिंह के वंशज थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह में भाग लिया था। कानून के क्षेत्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में शामिल हो गए और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वर्ष 1930 में उन्हें अंग्रेजों ने सॉल्ट सत्याग्रह में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किया था, एंड ही वाज इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी कि उत्तर प्रदेश आज का, फ्रॉम छत्रपरौली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस। उन्होंने असेंबली में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल भी इंट्रोड्यूस करवाया था। He became a cabinet minister in UP for the first time in 1951 and was given several portfolios after that. In 1967, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल नाम से अपनी पार्टी बना ली। वह दो बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। In UP, he was the chief architect of land reforms and also worked for the complete abolition of zamindari system. वर्ष 1977 में वह मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली यूनियन सरकार में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने थे। चरण सिंह देसाई के बाद 1979 में देश के प्रधानमंत्री बने। He became the fifth prime minister of India. Not counting the acting prime minister Gulzari Lal Nanda, Charan Singh was the shortest serving prime minister of India, which is just for a period of 170 days. इनकी जन्म दिवस को भारत में फार्मर्स डे यानी कि किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ किताबें भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे कि जॉइंट फार्मिंग एक्स रेड द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी,
प्रिवेंशन ऑफ डिविजन ऑफ होल्डिंग्स बिलो अ सर्टेन मिनिमम। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा आज हमारा अगला फैक्ट है, और ये हुआ था वर्ष 1912 में, विच इज वेरी वेरी फेमसली नोन इन हिस्ट्री एज द दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसे दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 1912 में भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या की साजिश को संदर्भित करता है। दिस हैपेंड ऑन द ओकेजन ऑफ ट्रांसफरिंग द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू न्यू दिल्ली। इसकी योजना बंगाल और पंजाब में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा बनाई गई थी और इसके प्रमुख थे रास बिहारी बोस। 23 दिसंबर 1912 को षड्यंत्र को रूप दिया गया जब एक होममेड बॉम्ब वाइसरॉय के हाथी हावड़ा यानी कि एलिफेंट कैरिज के ऊपर फेंक दिया गया। दिस वॉज डन व्हेन ऑफिशियल जुलूस दिल्ली के चांदनी चौक एरिया से गुजर रहा था। हमले में घायल होने के बावजूद वाइसरॉय गॉट सेव्ड, लेकिन उनके पीछे खड़े उनके सर्वेंट हु वाज होल्डिंग द अम्ब्रेला की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद एफर्ट्स वर मेड टू डिस्ट्रॉय द बंगाल एंड पंजाब रेवोल्यूशनरी अंडरग्राउंड। राजबिहारी बोस आइडेंटिफाइड एज द पर्सन हु थ्रू द बॉम्ब सक्सेसफुली इवेडेड कैप्चर फॉर नियरली 3 years, बिकमिंग इन्वॉल्व्ड इन द गदर कॉन्स्पिरेसी बिफोर इट वॉज अनकवर्ड एंड देन ही फ्लेड टू जापान इन 1915। जब बात राजबिहारी बोस की चल रही है तो ये तो आप जानते ही होंगे कि इनका नाम किस प्रकार इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज से तो जुड़ा ही है, लेकिन ये भी आप याद रखिए कि इन द ईयर 1943 जापानीज गवर्नमेंट ने इनको ऑनर किया था बाय गिविंग हिम द हाईएस्ट टाइटल गिवन टू अ फॉरेनर, जिसका नाम है द सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन। ये भी आप याद रखिए कि ऑन 26 दिसंबर 1967 द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इशूड अ स्पेशल पोस्टेज स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ राज बिहारी बोस। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे सामने है, और ये हुआ था वर्ष 2004 में जब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव पास्ड अवे। पीवी नरसिम्हा राव एक भारतीय वकील और राजनेता थे जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के नवे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। राव ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और वह हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा भी रहे थे। 1940 के दशक में उन्होंने काकतीय पत्रिका नामक एक तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका के लेखों का सह संपादन किया और उसमें अपनी लेखनी से योगदान भी दिया। He joined the Indian National Congress and entered politics full time after independence. He became the Chief Minister of Andhra Pradesh in 1971 and remained in office till 1973. His CM tenure was marked by a strict implementation of Land Ceilings Act in the Telangana region. In 1980, Indira Gandhi ki Prime Ministership ke andar, unko videsh mantri banaya gaya aur iske baad hi wo rashtriya sthar par prasiddh hue. Vah 4 saal tak videsh mantri bane rahe aur phir dobara bane varsh 1998 se 1989 tak, is baar Rajiv Gandhi ki leadership ke antargat. नरसिम्हा राव राजीव गांधी के अधीन रक्षा मंत्री भी रह चुके थे। After a near retirement from politics in 1991, he made a comeback after the assassination of Rajiv Gandhi in May 91. इसी वर्ष वह भारत के प्रधानमंत्री भी नियुक्त करे गए थे। He was the first person from non-Hindi belt to become India's prime minister. प्रधानमंत्री के रूप में राव का कार्यकाल प्राइमरीली आर्थिक सुधारों के लिए याद किया जाता है। द कंट्री डिसाइडेड टू ओपन अप द इकोनॉमी एंड मूव टुवर्ड्स अ मार्केट इकोनॉमी एज अपोज्ड टू द सोशलिज्म ऑफ द प्रीवियस डिकेड्स। कई योगदानों के लिए इनका कार्यकाल आज भी प्रसिद्ध है, जैसे कि इनके अंतर्गत सेबी एक्ट इंट्रोड्यूस करी गई थी। हिज गवर्नमेंट ऑल्सो स्टार्टेड द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। He reduced tariffs and increased FDI limit, यानी कि foreign direct investment limit to 51%. Rao ने India's look east policy की भी शुरुआत की थी as a part of his foreign relations with Southeast Asian countries. India's first anti-terrorism legislation, Terrorist and Disruptive Activities Prevention Act, was also passed by Rao's government. इनको प्रतिभा मूर्ति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था और वर्ष 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी आज ही के दिन। With this, अब चल के देखते हैं अगला हमारा कौन सा फैक्ट है आज, जो कि संबंधित है वर्ष 2010 से।
जब जाने माने पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला के करुणाकरन पास्ड अवे। कन्नौत करुणाकरन एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने 4 बार केरल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था एंड ही इज द फाउंडर ऑफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट विच इज अ पॉलिटिकल अलायंस इन केरला लेड बाय INC। In 1937, Karunakaran joined the flood relief camps that were conducted by the leaders of Praja Mandalam, an early freedom struggle in Kochi state. इन्होंने विशाल थाटिल रबड़ संपदा के ट्रेड यूनियन गतिविधियों में भी गहनता से भाग लिया था। करुणाकरन भारतीय राष्ट्र ट्रेड यूनियन कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता बन गए और इसके बाद INTUC यानी कि भारतीय राष्ट्र ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत के सबसे बड़े ट्रेड यूनियनों में से एक बन के आई। आज के समय में इसके पास कुछ 4 मिलियन से भी अधिक सदस्य हैं। The VIP Pavilion in Jawaharlal Nehru Stadium in Kallur, which is in Kochi district, has been named in the honor of K. Karunakaran. In sabhi facts aur events ke discussion ke baad, ab chal ke dekhte hain friends ki kaun se questions aaj hamare paas hain. To first question says ki who was the president of INC in its Surat session in 1907? Yani ki 1907 mein Surat session mein INC ke adhyaksh kaun the? Options hain A. Rash Bihari Ghosh, B. बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय या फिर डी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल कहता है हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज किसान दिवस इन इंडिया। भारत में किसकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए जवाहरलाल नेहरू, बी चरण सिंह, सी नरसिम्हा राव या फिर डी मुरारजी देसाई। The next question says, in which year did Delhi conspiracy case happen? किस वर्ष घटित हुआ था दिल्ली षड्यंत्र केस, जिसको कि हम दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं? Options है A. 1911, B. 1912, C. 1913 या फिर D. 1910। Next question says, who was elected as the 9th Prime Minister of India? यानी कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में किनको चुना गया था? Options हैं A. नरसिम्हा राव, B. चरण सिंह, C. मोरारजी देसाई या फिर D. चंद्रशेखर। With this, the last question says, who is the author of the book Economic Nightmare of India, Its Cause and Cure? कौन है इस प्रसिद्ध किताब के लेखक? Options हैं आपके पास A. मनमोहन सिंह या फिर बी चरण सिंह, सी खुशवंत सिंह या डी नरसिम्हा राव। विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड सम वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हम आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको ये बहुत लाभदायक लगा होगा। और अगर आपको सेशन से लाभ मिला तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। विद दिस आई थैंक ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन।